है, बारिश हो रही है, इनकी बूंदें भी पड़ रही है। प्रभु भगवान हमारे साथ है, मोदी के साथ तो सिर्फ अडानी और अंबानी है। जिस जवान की वजह से वो प्रधानमंत्री बने, आज वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं और देश की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। 15 उद्योगपतियों के लिए पूरा देश उन्होंने गिरवी रख दिया। बाबा रामदेव का भी वॉकआउट करेंगे। इन्होंने देश का जो धन लूटा है, अन्याय देश के साथ किया है, देश को गलत दिशा में ले गए। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ रही है। कुछ किसान भाई टेंट के नीचे छुपे हुए हैं और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी लगातार टेंट लग रहा है, रोड पे टेंट लग रहा है और उधर खाना भी बट रहा है, लंगर भी लग रहा है और उधर किसान भाई पूरे जोश में है। उनकी मांगे बस यही है कि इन तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जिसके लेकर बहुत बड़े बड़े किसान भाई जो किसान नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं और वहाँ पर अलग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर रोड पर टेंट दोबारा से लग रहा है। देख सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए टेंट लग रहा है और उधर आप देख सकते हैं कि खाने की व्यवस्था है, लंगर लग रहा है और तमाम जो किसान भाई मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी बस एक ही मांग है कि तीन जो कृषि कानून उसको वापस लिया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन पाल। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन किसानों का हौसला देखने लायक है। क्या कहेंगे, सरकार आपकी बातें अभी भी नहीं सुन रही? भैया किसान जो है मिट्टी का लाल है, ये एसी और एयर कंडीशन का आदि नहीं है। ये किसान लोहा बरसे, जल बरसे, पानी बरसे, इंद्र भगवान इसकी सुरक्षा करता है हर मुसीबत में। और ये किसान अपनी बात मनवा के जाएगा यहाँ से, मोदी जी की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। आठवीं बार कल बैठक हुई, आठवीं बार बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक इंतजार किया जाएगा और जो प्रधानमंत्री आएगा वो मानेगा, मानने के अलावा दूसरा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। समय चाहे जितना लगे, हम देख लो ना 5 मिनट में तैयार हो गया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु भगवान हमारे साथ है। मोदी के साथ तो सिर्फ अडानी और अंबानी है और देश के 15 उद्योगपति हैं, पूरा देश किसानों के साथ है, भगवान स्वयं किसानों के साथ है। ये देख लो कौन आया है, कहाँ से आया है और 2 मिनट में व्यवस्था कर दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2 मिनट में जिस तरीके से यहाँ पर टेंट का व्यवस्था कर दिया गया, भगवान भी ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा किसान भाइयों का, लेकिन किसानों का हौसला तो यहाँ पर और भी किसान मौजूद है, लेकिन इनसे और भी चीजें जानेंगे। सर जिस तरीके से 60 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए इस दौरान, इस पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया, दुख भी नहीं दिखाया। आजकल प्रधानमंत्री हमारा विदेशों में घूम के पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री जी को ज्यादा पसंद आ गया है, तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मां मर जाने पर उसे तो भेजते हैं लेटर लिख के। हमारे किसानों के, जिस किसान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, जिस जवान की वजह से वो प्रधानमंत्री बने, आज वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं और देश की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से मोदी प्रधानमंत्री जी ने देश की 30 करोड़ जनता के साथ 130 करोड़ जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, मात्र 15 उद्योगपतियों के लिए पूरा देश उन्होंने गिरवी रख दिया। अकेला गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात की थी, इस गुजरात मॉडल को हम समझ गए, अब ये देश में लागू नहीं होने देंगे। हमें जब तक लोकतांत्रिक लड़ाई करनी पड़ेगी हम लड़ेंगे और इसे जीतेंगे। एक एक किसान लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है। हमें चाहे 5-5 किलो 10-10 किलो गेहूं अपने घर से लाने पड़े, जरूरत पड़ी तो हम अपने जानवर भी लेके आएंगे, लेकिन ये लड़ाई हम जीतेंगे। लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले हमें कोई दिक्कत नहीं है इस लड़ाई से। मुकेश अंबानी की तरफ से कहा गया कि किसान भाई टेंशन में लग गए, मुकेश अंबानी को लग गया है कि उसकी जमीन खिसकने वाली है। इसी देश के अन्नदाता ने मुकेश अंबानी को यहाँ तक पहुँचाया है और मुकेश अंबानी का अब हर किसान वॉकआउट कर रहा है, चाहे वो रिलायंस का आने वाला समय होगा कि उसी किसी भी रिलायंस पे हम पेट्रोल नहीं डलाएंगे, हम अपनी मोटरसाइकिल में नहीं डलाएंगे, कोई रिलायंस का जियो नहीं खरीदा जाएगा, कोई रिलायंस का प्रोजेक्ट नहीं खरीदा जाएगा। तो मुकेश अंबानी को समझ में आ गया और अडानी को भी समझ में आना चाहिए और उद्योगपतियों को समझ में आना चाहिए कि जो जो मोदी को खरीदने की कोशिश करेगा उस उद्योगपति का हम वॉकआउट करेंगे, बाबा रामदेव का भी वॉकआउट करेंगे। इन्होंने देश का
जो धन लूटा है, अन्याय देश के साथ किया है, देश को गलत दिशा में ले गए, राष्ट्र के नाम पे हमें लूटा है। अब हम सब समझ गए, अब कोई ब्रांड नहीं, देश में सिर्फ किसान, मजदूर और जवान ब्रांड चलेगा और इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे और कानून वापस, किसी भी स्थिति में कानून वापस करवाएंगे। आपने जैसा देखा कि भारी बारिश में किसान ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।